हाई बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम टू हॉक क्रिएशन फर्स्ट अपडेट एमसी स्टैन की तरफ से जहां एमसी स्टैन का गाना रिकॉर्ड तोड़ रहा है वहीं उनको काफी सारे हिट भी मिल रहे हैं पहले बात कर लेते हैं रिकॉर्ड के बारे में तो एमसी सी स्टैंड का सॉन्ग जहां 20 घंटे में 3.8 मिलियन व्यूज ला चुका है वहीं सात लाख छप्पन हजार लाइक भी मिल चुकी है हाथ वर्थी को आपको बता दें कि इससे पहले कभी एमसी स्टैंग के गानों पर एक दिन में इतने सारे व्यूज नहीं आए हैं ये फर्स्ट टाइम है जो इतना ज्यादा व्यूज क्रॉस किया है एम सी ने तो अब बात कर लेते हैं हेट के बारे में ट्विटर पर थोड़ा सा ट्रोल भी किया जा रहा है एक ने लिखा की आई डोंट थिंक क्रिटिसाइजिंग एमसी स्टैंड लिरिसिज्म इज फेयर ही इज नोन फॉर हिज वाइब्स एंड ही हैज डिलीवर्ड इट दिस टाइम टू The main reason some people are underwhelmed can be that the song snippet had been played quite a few times, so maybe the surprise element went missing. तो basically यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि MC Stan को lyrics के मामले में criticize नहीं किया जा सकता, उनका गाना vibe के लिए जाना जाता है। एक ने जवाब देते हुए लिखा कि MC Stan को criticize नहीं कर सकते lyrics के लिए, but Amy Wei को hate दे सकते हैं। Next update Kalamin की तरफ से, तो कलम इंक ने एक स्टोरी लगाई की इनके वही चीप ट्रैक्स बस बहुत जल्द सेम चीज करूंगा आई के साथ आपको बता दे कि कलम इंक फॉलो नहीं करते एमसी स्टैन को क्या ये शॉर्ट एमसी स्टैन पर हो सकते हैं नेक्स्ट सीधे मौत की तरफ से सीधे मौत ने एमसी स्टैन का सॉन्ग सुनने के बाद कुछ इस टाइप से किया और वही पर एमसी सी का सॉन्ग वर्ल्ड वाइड नंबर बीस पर ट्रेंड कर रहा था इंडिया में तीन नंबर पर यूनाइटेड किंगडम में ग्यारह नंबर और कनाडा में नाइन नंबर पर ट्रेंड कर रहा था नेक्स्ट अपडेट कृष्णा की तरफ से कृष्णा टोक्यो जापान घूम रहे हैं शायद कोई म्यूजिक वीडियो शूट कर लिए हैं तभी टाइम मिला उनको एक फोटो पोस्ट करने का वो पोस्ट में लिखा की नो टाइम नो सी हैश टैग रिटर्न इफ द मैक और स्टोरी लगाई की देसी हिप हॉप राइट नाउ मे बी जल्द ही कोई ट्रैक देखने को मिलेगा नेक्स्ट अपडेट अमेरिकन म्यूजिशियन कश्मीर की तरफ से How was the experience of working with Stan? It was great. We had one day in the studio together. We got through two different ideas. The album is a concept album. With Hath Bharti, it's when he and all of his friends, the character I'm talking about, you know, are celebrating. They just started robbing, stealing, making some money. And now they're in the club. They're having fun. They're, they're celebrating. And Stan was into the idea, put himself right into that mindset and already had a little